Hello, welcome back. This is Saurabh Kumar Rao welcoming you on my virtual class, The Rao Classes. Now you might have been wondering कि ये सर कहाँ चले गए. जी हाँ बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ऐसा है जो दिखता तो नहीं मगर बिकता जरूर है. और आज की जो हमारी टॉपिक है वो होने जा रही है सिर्फ और सिर्फ गुडविल के ऊपर. और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गुडविल. कि आज की जो हमारी टॉपिक थी वो गुडविल के ऊपर बेस्ड है. और आज हम लोग जानेंगे कि गुडविल किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है या किसी पार्टनर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, और अल्टीमेटली जब भी किसी फर्म को दूसरे फर्म के हाथों बेचा जाता है या एमलगमेट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में फर्म की वो इंटेंजिबल वैल्यू जो दिखती तो नहीं है लेकिन बिकती जरूर है, और उसका नाम है गुडविल. एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 and according to section 55 of the Indian Partnership Act 1932, both in case of accounting standard 26, goodwill is an intangible asset which comes into existence when the firm is either going to get amalgamate with the other partnership firm or else if the firm is going to be bought by any other partnership firm or the business organization. So गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल वैल्यू है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यूएशन वो उसके या तो पास्ट प्रॉफिट के हिसाब से या फिर फर्म की जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं जिसके कारण उसका जो नाम है वो मार्केट में जाना जाता है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं. अब ये गुडविल क्या है सर? गुडविल हर वो चीज है जिसके कारण आपकी फर्म की जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा नॉर्मल हो जाती है. मतलब कि आप नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करते ही हो, साथ में आपके फर्म के नाम से आपकी फर्म जो है वो कुछ एक ऐसी स्टेबल नेम और फेम को अर्न कर चुकी होती है मार्केट में, जिसके कारण लोग ब्लाइंडली आपके प्रोडक्ट को प्रिफर करते हैं. मतलब कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर में किसी भी तरह का संदेह किए बिना लोग आपके प्रोडक्ट को चुने, तो वो आपकी गुडविल कहलाती है. गुडविल समझाने के लिए मैं आपको एक रेफरेंस लेता हूं. सपोज हमारे यहाँ एक ढोलू की कंपनी है जिसका नाम है झोपो, और एक हमारी एमएनसी है जिसका नाम है एप्पल. अब एप्पल और इस झोपो में अगर आप कंपैरिजन किया जाए और आपको कहा जाए कि आप दोनों में से क्या प्रिफर करेंगे, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर एप्पल. क्यों? क्योंकि एप्पल की जो नाम नेम और फेम है वो मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में जानी जाती है, लेकिन ढोलू की जो कंपनी है झोपो इसे मार्केट में लोग नहीं जानते हैं या गिने चुने लोग जानते हैं. तो मार्केट में वैल्यूएशन जो नेम और फेम है वो झोपो के अलावा झोपो के कंपैरिजन में एप्पल की ज्यादा है, इसीलिए इंपॉर्टेंस और प्रिविलेज आप एप्पल को देते हैं. और यही इंटेंजिबल थिंग जिसके कारण आपने एप्पल को प्रिफर किया झोपो को नहीं, वो इंटेंजिबल थिंग एप्पल की जो है वो गुडविल कहलाती है. अब आप कहेंगे सर गुडविल कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल दो तरीके से डिटरमाइन की जा सकती है. पहला वो जो कि फर्म खुद सेल्फ जनरेट करती है. मतलब मैंने खुद अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी और कंपनी स्टार्ट करने के बाद मेरे जो डे टू डे एक्टिविटीज थे मैंने उस एक्टिविटीज को बखूबी निभाया और उस एक्टिविटीज के कारण मार्केट में लोग मेरी प्रोडक्ट को प्रिफर करने लगे. सेकेंड थिंग वो गुडविल आपका जो आप किसी अदर फर्म को परचेज करते हो या अपनी खुद की फर्म को किसी और पार्टी के हाथों सेल कर देते हो, तो दोनों केसेस में आपकी जो गुडविल होगी वो परचेज गुडविल होगी. मतलब इधर आपने फर्म को दूसरे फर्म को परचेज करते समय आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, वो उनके नाम के लिए किया, जिसके कारण आप आगे चल के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट को लगाए. और पहली किस टाइप की जो आपकी गुडविल थी उस टाइप में क्या था कि आपने खुद अपने प्रोसेस, रेगुलर एक्टिविटीज, लोकेलिटी, अपनी आपकी जो कस्टमर के साथ में रिलेशन थी, आपकी क्रिएटर्स के साथ में रिलेशन थी, उसके कारण आपने जो नाम नेम और फेम अर्न किया वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी. तो जब आप खुद की गुडविल को जनरेट करते हो खुद अपने लोकेशन, खुद अपने टाइप ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, अपने क्रिएटर के साथ में जो आपकी रिलेशन है, आपके डेटर के साथ में जो आपकी रिलेशन है, उसके कारण आप जो नेम और फेम अर्न करते हो वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और जिस गुडविल को आप किसी अदर फर्म को परचेज करते समय या खुद की फर्म को सेल करते समय जहां पे उस गुडविल की बात आती है, जब आप फर्म को सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो वो आपकी परचेज गुडविल कहलाएगी. परचेज गुडविल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी यही डिफाइन किया गया है कि गुडविल हर वो इंटेंजिबल एसेट है विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द फर्म इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट टू अनदर हैंड. क्लियर है? अब हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मेरी क्या गुडविल है, मुझे कैसे मालूम कि मेरी क्या वैल्यू हो सकती है?
सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है सर, अनटिल इसको किसी अदर पार्टी के हाथों बेचा जा रहा हो। मैं अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूंगा तभी लोग वहां पे उनकी डिमांड और हमारी सप्लाई के कारण उसकी वैल्यूएशन की जा सकती है, तभी वहां पर परचेज गुडविल की बात आ जाएगी। लेकिन मेरी खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, ये मैं खुद की वैल्यूएशन खुद से नहीं कर सकता हूँ। मार्केट डिमांड जो है या मार्केट डिमांड और मेरी प्रोडक्ट की प्रोड्यूसर की सप्लाई, इन दोनों के कारण गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो जहां तक बात है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल की कर सकते हैं, और परचेज गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास में 4 प्री डिटरमाइंड मेथड्स हैं। और ये क्या है, तो सर पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये क्या है, जहां पर आप सबसे पहले निकालते हैं किसी भी फर्म को, जो भी फर्म बिकने जा रही है, जिस फर्म को आप परचेज करने जा रहे हो, तो उस फर्म के जो लास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स जितनी इयर्स की उनकी प्रॉफिट दी गई है, जितना उन्होंने लास्ट 10 इयर्स में, और जो गिवन आपका जो जितना भी ईयर दिया गया है, जितने सालों के लिए वो फर्म चल रही थी पहले से, उतने सालों में उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसका एवरेज टोटल सम टोटल ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच इट हैड बीन रनिंग इट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसे आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में फेस करने को मिल सकता है कि सर ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आप जरा सोच के देखो, आप किसी बिजनेस फॉर्म को खरीदने जा रहे हो जिसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए कुछ ईयर्स के लिए बिना कोई एफर्ट लगाए हुए, तभी तो आप उसकी गुडविल की वैल्यू से वैल्यू पे कर रहे हो। जब आप उसकी गुडविल के लिए पे कर रहे हो, इसका मतलब आपको बिना एफर्ट लगाए कम से कम 3 साल 4 साल प्री डिटरमाइंड आपको प्रॉफिट मिलनी चाहिए, आपके कोई बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए, वो एफर्ट बिना लगाए जो आप अर्न कर रहे हो वो उस फर्म की नेम और फेम के कारण। तो वो जो नेम और फेम है वो कितने साल तक आपको काम आ सकती है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, अगले 6 साल तक अगर आपको उसके बेनिफिट यूटिलाइज करने को मिल रही है, इसका मतलब वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। अंटिल 6 इयर्स आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आप जो अर्न कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस कंसर्न के नाम और काम के कारण कर रहे हो। तो इसीलिए आपने उस गुडविल के लिए आपने कुछ अमाउंट पे किया। कहने का मतलब अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है और नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड, उसको आपको मल्टीप्लाई करनी है एवरेज प्रॉफिट से। ऑन एन एवरेज आप जितना प्रॉफिट 6 इयर्स तक अर्न करोगे उसे मल्टीप्लाई करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो गुडविल कहलाएगी। ये था सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। अब मैं आपको बात करूंगा सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड वो है जहां पर आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सुपर प्रॉफिट निकालने की। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करते हो। मतलब सुपर प्रॉफिट वो है जो आप एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करते हो। नॉर्मल प्रॉफिट आपकी वो प्रॉफिट होती है जो आपके कैपिटल पे नॉर्मली रिटर्न देती है। जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में जो आपको रिटर्न आ रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जो आपकी एवरेज प्रॉफिट है वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से जितनी ज्यादा होगी वो आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगी। और उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा आप एवरेज प्रॉफिट में करते थे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट लेस योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। यू कैन डिटरमाइन योर कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एनी ऑफ द गिवन मेथड बाय गोइंग थ्रू योर लाइबिलिटीज liabilities approach or your asset approach, you can get your value of capital employed. Capital employed आपकी जो net आपने capital contribute किया firm के तरफ, जिससे आपको एक normal rate of return आपको मिलता रहता है, आपको उससे multiply करनी है। और normal rate of return say 10%, 20%, 25% कुछ भी हो सकती है, उससे जो आपका value आएगा वो होगा normal profit। और आपका average profit बिल्कुल उसी तरीके से calculate किया जाएगा जैसे first method में आप करते थे। Average profit equals to your sum total of the टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर टोटल नंबर ऑफ इयर्स। और आपकी जो सुपर प्रॉफिट होगी, सुपर प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपकी जो सुपर प्रॉफिट होगी वो एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा इस केस में, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
ये वही ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस जितने वर्षों के लिए आपको बिना कोई अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए जो भी अर्निंग्स होती है वो आपकी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहलाती है। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर गुडविल। क्लियर है? मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड मोर और लेस ये एक जैसा है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में हम लोग एवरेज प्रॉफिट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया करते थे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में हमें सुपर प्रॉफिट निकालनी है, उसके बाद हमें उसे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करनी है सो एज टू गेट आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। थर्ड वन मेथड हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है? सबसे पहले आपको दी जाती है एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर और आपको कहा जाता है कि आप इससे निकालें अपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे? आपके केस में क्वेश्चन में दी जाएगी एवरेज प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इज दिस मच, योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10% 20% 25% सो ऑफ सो ऑन ऑफ दैट काइंड। तो आपको इससे एवरेज कैपिटल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू कोई भी परसेंटेज आपको दिया गया 10% 20% तो आप लिखते हो 20/100। आपको यहां करना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का 100 ऊपर रखना है, रेट ऑफ रिटर्न नीचे लिखना है, मतलब 100/10 लिखना है आपको। अगर 10% है तो 100/10, अगर 20% है तो 100/20। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10 20 30 व्हाटएवर। क्लियर है? इससे आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। उसके बाद आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से दी गई है, पहले से जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दी गई है कैपिटल एम्प्लॉयड, आप वो भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं लायबिलिटीज अप्रोच से या एसेट अप्रोच से। ये तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट से आपने निकाला, तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है आपको वो निकालनी होगी। तो आपकी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थी आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, एवरेज एक्चुअल से कितना ज्यादा है वो होगा आपका गुडविल। आपके असिस्टेंस के लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं कैपिटलाइजेशन एवरेज कैपिटल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल गिव यू एवरेज कैपिटल। और आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी एग्जिस्ट कर रही है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो आप लाइबिलिटीज अप्रोच यूज कर सकते हैं। लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या होगा, टोटल लाइबिलिटी लेस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए या बैंक लोन हो गई या फिर किसी पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को वो लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की जो भी लाइबिलिटीज होगी वो अदर लाइबिलिटीज में आ जाएगी। तो टोटल लाइबिलिटीज लेस अदर लाइबिलिटीज या आउटसाइडर लाइबिलिटीज विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, इसके फॉर्म में। तो आपकी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो इस कैपिटल एम्प्लॉयड से कितनी ज्यादा है वही आपकी गुडविल है। तो गुडविल इक्वल्स टू आप लिख सकते हो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेस योर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपकी गुडविल हो जाएगी। एंड द लास्ट वन मेथड इज योर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी आपने कैपिटलाइजेशन किसका किया था, एवरेज प्रॉफिट का, मतलब कि सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन केस में आपको सुपर प्रॉफिट तो पहले से दी जाएगी और आपको सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करना है, मतलब कि आपको एवरेज कैपिटल की जगह पे एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स और आपकी सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू योर एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट आ गई और आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, आपकी गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दी जाएगी और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का ही आपको 10% 20% 20% जो भी 25% 30% आपको निकाल सकते हो, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी। क्लियर है? या आप यह बोल सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, हो सकता है। तो ये आपका
फोर्थ मेथड था जहां पर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ दिया गया है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने का मतलब यह है कि आपकी गुडविल जो होगी वो सुपर प्रॉफिट की ही कैपिटलाइज वैल्यू होगी। निकालने के लिए सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका 10, 20, 25 जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया क्वेश्चन में मेंशन किया गया आप वो निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव यू सुपर प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और उसका कैपिटलाइज कर देना आपको वैल्यू, मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल गिव यू द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये फोर मेंशनड आपकी जो मेथड्स है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यही आपको जानने की जरूरत है। एक दो का क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा भी जहां पर आपको दिया जाएगा कि आप कोई भी पार्टिकुलर मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके दिखाइए, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट पहले से दी गई है पार्टिकुलर ईयर की उसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आपको मेंशन किया गया है और उसका पास्ट एडजस्टमेंट दिखाने के साथ आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर ईयर में 4000 का प्रॉफिट होता है लेकिन उस प्रॉफिट में 4000 में आपकी 2000 गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दी गई है तो आप जानते हैं कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक एबनॉर्मल आपकी इनकम है, गेन है और ये आपके प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करती है। ये आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट है और आप 4000 में 2000 की जो आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको आप डिडक्ट करेंगे ताकि आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी चाहिए वो आए। और इसी पास्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको वापस से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और या जिस तरीके से आपको जो मेथड प्रिस्क्राइब की गई है आप उस मेथड के अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं गुडविल कैलकुलेशन विथ पास्ट एडजस्टमेंट। आपको क्वेश्चन मिलेगी, आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या नहीं तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं और मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा या नहीं तो व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे सेंड करते हैं क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे एक सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्लियर है या नहीं। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की अगर ये रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं उसे एक वीडियो बना करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अंटिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस टेकिंग हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन और एल्स यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और एल्स यू कैन डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल बी giving you solution of a part of the particular questions you will be asking me. Thank you and share the video more and more as much as you can और subscribe करना ना भूलें चैनल को और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। Thank you for watching.